गाइस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक बजट में रहते हुए एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए होता है, बट दे डोंट नो कि वो कौन से स्मार्टफोन है जो कि उनके बजट में सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे, सबसे ज़्यादा बेस्ट होंगे। सो गाइस इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे ही स्मार्टफोन के बारे में, यानी कि टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज जो कि आप डेफिनेटली 2020 फरवरी के महीने में ले सकते हैं। एंड अगर आपको भी इंटरेस्ट है, अगर आपको भी कोई स्मार्टफोन लेना है, 20,000 रुपीज आपका बजट है, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिकॉज इस महीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं एंड मैंने उसे इस वीडियो में इंक्लूड किया है। सो इसमें कुछ नए फोन्स भी है एंड कुछ ओल्ड फोन्स भी है जो कि अभी भी आप ले सकते हैं। सो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। एंड उससे पहले गाइस मैंने एक वीडियो बनाया था गेमिंग माउस के ऊपर एंड उसी गेमिंग माउस का मैं गिव अवे करने वाला हूँ। सो अगर आपने वो वाला वीडियो को नहीं देखा एंड अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, सो आई बटन में मैं लिंक देता हूँ, वहाँ से आप उस वाले वीडियो पे जा सकते हैं एंड उस वीडियो में जो भी इंस्ट्रक्शन है आप उसे फॉलो करके उस गिव अवे में एंटर कर सकते हैं। सो फटाफट से जाइए एंड वो वाला वीडियो देखिए एंड पार्टिसिपेट कीजिए उसी गिव अवे में। सो हे गाइस, दिस इज इमरान एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब गाइस इस वीडियो में मैंने जो भी स्मार्टफोन्स को लिस्ट किया है उन सभी की जो बेस्ट बाय लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप चाहें तो वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस चलिए बात करते हैं अपने फिफ्थ स्मार्टफोन के बारे में। अब ये जो स्मार्टफोन है ये है Vivo Z1X। इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 712 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा एंड आपको इसमें 4500 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके चार्जर की तो इसमें आपको 22.5 वॉट का फ्लैश चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है एंड आपको एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है इनबॉक्स में ही। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी कुछ और अच्छी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको सबसे अच्छी बात यह कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। सो अगर आप वीवो के फ़ोन को पसंद करते हैं, अगर आप फन टच ओएस से फेमिलियर हैं, तब आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं, बिकॉज जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो ठीक ठाक है एंड जो इसकी प्राइसिंग है वो है अराउंड 15,000 रुपीज़ से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है जो कि 4GB 128GB एंड जो इसका हायर वेरिएंट है वो अराउंड 18,000 रुपीज़ तक जाता है जो कि है 6GB 128GB आई थिंक। सो नहीं 8GB 128GB। सो अगर आप वीवो के फ़ोन को पसंद करते हैं तभी आप इस फ़ोन के साथ जाइए, नहीं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन इस लिस्ट में और हैं। सो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। अब ये जो स्मार्टफोन है ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया है बट अभी भी ये बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। सो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ Redmi K20 की। अब इसको मैंने फोर्थ नंबर पर इसीलिए रखा है बिकॉज जो इसकी प्राइसिंग है वो थोड़ी ज़्यादा हाई है या सबसे ज़्यादा महंगा है यही स्मार्टफोन है इस लिस्ट में, दैट्स व्हाई मैंने इसको फोर्थ नंबर पर रखा है। अगर मैं बात करूँ इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.39 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले विद पॉपअप सेल्फी कैमरा इसमें देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको पसंद है पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन तब डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। एंड इसमें अगर मैं बात करूँ कुछ और स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 730G नहीं 730 प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड ट्रिपल रियर कैमरा आपको बैक साइड में देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी सेंसर है एंड आपको 20 मेगापिक्सल का आपको इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। सो अगर आपको लेना हो कोई पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन, सो ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है इस प्राइस पॉइंट पे अभी के टाइम पे। सो गाइस जो लिस्ट में थर्ड स्मार्टफोन है वो है Redmi Note 8 Pro। अब इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं बिकॉज सभी को पता है कि ये कैसा स्मार्टफोन है, फिर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें 6.53 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है एंड Helio G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है एंड बहुत अच्छी गेमिंग करवा देता है आपको। एंड मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये एक ऑलराउंडर फ़ोन है, यहाँ पे आप सभी कुछ कर सकते हैं, एक अच्छा कैमरा भी इसमें है एंड एक अच्छी परफॉर्मेंस भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है एंड डिज़ाइन तो अच्छी है ही। सो अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरीज की या फिर कुछ और स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 18 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है एंड उसी के साथ साथ आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप एंड 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सो ये स्मार्टफोन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है इस प्राइस पॉइंट पर रहते हुए। अब गाइस जो सेकंड एंड फर्स्ट वाला स्मार्टफोन है इन दोनों ही स्मार्टफोन को कैटेगराइज करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाली बात हो गई थी बिकॉज ये दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सिमिलर प्राइस पॉइंट पर आते हैं, बट यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर पे रखा है Realme X2 को। अब अगर मैं बात करूँ Realme X2 की तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है एंड 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है एंड स्क्रीन की बात करूँ तो 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले विद वाटर ड्रॉप नॉच के साथ इसमें आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है एंड डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, गोरिल्ला ग्लास 5 आपको दोनों तरफ ही देखने को मिल जाता है एंड 4500 mAh की बैटरी एंड 30 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है एंड प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 730G देखने को मिल जाता है। सो ये
स्मार्टफोन भी बहुत ही अच्छा है एंड अगर आपका बजट 17,000 रुपीज है सो डेफिनेटली इस स्मार्टफोन के साथ आप जा सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट स्मार्टफोन की। अब ये जो स्मार्टफोन है ये है पोको X2। अब इसको मैंने नंबर वन पे इसलिए रखा है बिकॉज जो इसकी प्राइसिंग है वो रियलमी X2 से कम है। अगर मैं बात करूँ रियलमी X2 की, जो रियलमी X2 का बेस वेरियंट है 4GB 64GB उसकी जो प्राइस है वो है 17,000 रुपीज एंड जो पोको X2 की प्राइसिंग है 6GB 64GB वाले वेरियंट की उसकी प्राइसिंग है 16,000 रुपीज। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल जाता है पोको X2 को। एंड स्पेसिफिकेशन की बात करते तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 730G वाला ही प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 120Hz रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलती है बट यहाँ पे आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है इस डिस्प्ले में। एंड अगर मैं बात करूँ कैमरा की तो इसमें आपको 64MP का सोनी का IMX686 वाला क्वाड कैमरा सेटअप आपको बैक साइड में देखने को मिल जाता है एंड डुअल सेल्फी कैमरा भी आपको देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन में। एंड एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि मुझे पर्सनली पंच होल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पे मुझे पंच होल इस स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसमें आपको डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि 20+2MP। तो यहाँ पर 2MP का जो कैमरा है वो है डेप्थ सेंसिंग के लिए, तो यहाँ पे आप पोर्ट्रेट फोटोज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लिक कर सकते हैं अपने फ्रंट कैमरा से। एंड अगर मैं बात करूँ बैटरी की तो इसमें आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है एंड 27W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। सो ये देखा इस बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज़। आप इन सभी स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ अपने पर्सनल ओपिनियन की तो यहाँ पे मैं पोको X2 एंड रियलमी X2 को कंसिडर करूँगा एंड आपकी भी चॉइस हो सकती है, आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन लेना है बिकॉज हर अलग अलग पर्सन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। सो आप इन दोनों स्मार्टफोन में से अपने हिसाब से उस स्मार्टफोन को चूज़ करिए। आप दोनों ही में से कोई भी स्मार्टफोन चूज करेंगे आपके लिए बेस्ट होगा बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन आप लेंगे तो आपको कोई भी रिग्रेट फील नहीं होगा। सो आप ले सकते हैं दोनों स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन। सो ये देखा अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये लिस्ट अच्छी लगी हो, अगर आप इस लिस्ट से अग्री करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड उसी के साथ साथ गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। एंड उसी के साथ साथ गाइस अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए एंड मुझे पहली बार देख रहे हैं तो जो नीचे सब्सक्राइब का रेड वाला बटन है उसको दबा दीजिए एंड उसी के साथ जो बेल वाला आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।